रेस्टोरेंट का नाम है राजा ढाबा, ये वही रेस्टोरेंट है जो श्रीनगर में है, दोनों एक ही है, और इधर आपको प्योर वेज ही मिलेगा। सो आपको अगर ब्रेकफास्ट करना है एंड रूट पे तो आप राजा ढाबा पे आके कर सकते हैं, ये अच्छा है, खाना भी अच्छा था, श्रीनगर में भी अच्छा था, इधर भी अच्छा है। चलिए तो अभी हम ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद जाएंगे सोनमार्ग। सो मैं आपसे सोनमार्ग में मिलूँगा, आज पूरा दिन सोनमार्ग एक्सप्लोर करेंगे। जो ब्रेकफास्ट हो गया अभी, ये जो राजा ढाबा है गुलमर्ग में है, पहलगाम में है, सोनमार्ग में है और श्रीनगर में भी है। आपको इनका खाना पसंद आता है तो आप सब जगह इन्हीं का ट्राई कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं सोनमार्ग। सोनमार्ग आगे इसे आगे हमारी गाड़ी नहीं जा रहा है, तो हमने बाहर से एक गाड़ी लिया है, इधर लोकल गाड़ी लिया है, वो तीन गुना रेट बोलेंगे आपसे। अभी विंटर है इसीलिए गाड़ी नहीं जाता है, अगर आपकी गाड़ी अच्छा है तो आप किसी गाड़ी लेके भी आप आ सकते हैं, नहीं तो चेन वाली गाड़ी लेनी पड़ती है, फोर इंटू फोर की गाड़ी चाहिए। अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो तीन गुना रेट बोलते हैं, सीधा 6000 बोलेंगे, अच्छा बात नहीं करते, 2000 में आ जाएगा, 2000 में मान जाएंगे, आपको फोर इंटू फोर या चेन वाली गाड़ी मिल जाएगी। उस गाड़ी में आपको 4 या 5 पॉइंट बताएंगे। ये जो फर्स्ट पॉइंट है स्केटिंग पॉइंट है, तो आगे जाना है स्केटिंग पॉइंट के लिए। तो अगर आपको गोरा करना था गोरा में भी आ सकते हैं, गोरा में आने के लिए वो आपको 3000 बोलेगा, आप सीधा 1000 का आना वो मान जाएगा। बहुत लोगों ने 3000 ही दिया गोरे के लिए, तो बहुत लूट हो रहा है इधर। गाड़ी में आएंगे या गोरे में आएंगे, 3 आवर्स 2 आवर्स लगता है, आपको 4 पॉइंट दिखा देगा, सब देखते हैं आप रिटर्न हो सकते हैं। और सोनमार्ग में 4 पॉइंट जाएंगे, उसमें तजवा ग्लेशियर भी आएगा, और इससे आगे जाएंगे तो जोजिला पास आता है, 0 पॉइंट आता है, 0 पॉइंट तो बंद है, तो लेक का रोड है इसलिए वो रोड बंद हो गया, तो 0 पॉइंट नहीं होगा। तो अभी ये 4 पॉइंट हम एक्सप्लोर करेंगे, 10 पॉइंट है स्केटिंग पॉइंट, तो स्केटिंग पॉइंट लेके जाते हैं। यहाँ हमें बेटे ने फ्लैट दिया है, ऊपर तक लेके जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा, तो देखिए भैया कितना मेहनत है स्लेज में, देखिए ऊपर जा ही नहीं रहे, स्लिप हो रहा है, स्लिप हो रहा है, कितना मुश्किल है। बजरंगी भाईजान का मूवी का शूटिंग इधर हुआ था, ये दीवा दिख रहा आपको, ये दीवा यहीं पे बजरंगी भाईजान का शूटिंग हुआ था, छोटा सा सीन इधर लिया हुआ है, करीबन 3 फुट का है बर्फ है पूरा, फिर हम देखते हैं, ये देखिए बताता हूँ, ये देखिए खड़ा देखो कितना गया अंदर का, उधर से देखो और ज़्यादा जाएगा पूरा वॉल है, इधर वॉल है इधर ही वॉल है, टॉप तक आ गया नहीं, एक ही बैठेंगे बच्ची बैठेंगे, और वो गाड़ी हमारा उधर है, अभी बैठेगा पूरा चालू है, चलो 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 क्या स्पीड देखो स्लेज का, ए भागा हम तो जा ही नहीं पा रहे भाई, गए नीचे पे जाना एक बार, तो इधर रहता है हम मुझ पर बहुत पीछे जाते हैं, मज़ा आ जाता है, मेरी बेटी से पहुंची गई वो तो। पहला पॉइंट तो हो गया, बहुत मज़ा आ गया था, और ऊपर तक हमें ऊपर चढ़ के जाना है, उसके बाद ऊपर से स्केटिंग करके उस स्लेज पे बैठ के स्केट करके नीचे आना है, थोड़ा लंबा सफ़र है, बहुत मज़ा आ जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट आप पक्का देखना, मिस मत करना, बहुत वर्थ है देखने के लिए। अभी हम फर्स्ट पॉइंट ख़त्म हो गया, सो अभी हम सेकेंड पॉइंट जाएंगे, तो चलिए अभी सेकेंड पॉइंट के लिए निकलते हैं। सेकेंड पॉइंट भी आ गए, और सेकेंड पॉइंट में अगर आपको इसमें स्केटिंग करना है ना, तो इसका अलग 200 रुपया लेता है, ये फिक्सड है, थोड़ा सा डिस्टेंस ही है लेकिन मज़ा आ जाता है। पहले पॉइंट से सेकेंड पॉइंट आने में थोड़ा सा दूरी है, बहुत दूर भी नहीं है, आप इजीली पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन हमने अपने गाड़ी बुक किया तो गाड़ी में आ जाइए, या तो फिर पौनी तो पौनी में आ जाइए। अभी सेकेंड पॉइंट से हम बहुत ऊपर आ गए, ऊपर एक झरना है जो अभी पूरा फ्रीज हो गया था, सो वो दिख नहीं रहा था, सो ऊपर से अभी नीचे आना है, सो नीचे आने के लिए जो मेरे पीछे जो बंदा आ रहा है ना, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है,
वो बोल रहा है कि आप स्लेज में आइए, बहुत मज़ा आएगा, बहुत लंबा भी है, एकदम स्पीड से जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी दूर उसको छोड़ा नहीं, वो मेरे पीछे आ रहा था, वो मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने इनसे स्लेज के लिए बुक कर दिया था, 100 रुपये लिया था, 2 बंदे थे, एक चलाता है और मैं बीच में बैठता हूँ और पीछे से ये धक्का मार देता है। सो अभी हम जो जब देखिए पीछे आ गया, देखिए वो स्लेज लेके, तो अभी हम इस स्लेज में जाएंगे नीचे तक और देखिए मज़ा कितना आता है और क्या स्पीड से नीचे जाता है। तो स्लेज में मैं बैठ गया और ये आगे वाले भाई ने तो मेरा पैर को टाइट से पकड़ लिया था और गाड़ी एकदम स्पीड से जा रहा है। ओ साइड जाइए, साइड 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 हो जाइए, क्या करें इतना स्पीड से आ रहे भैया, मुझे तो डर लग रहा है, थोड़ा धीरे कर दो, ये तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, तो एकदम स्पीड जा रहा है, अभी रुक गया है थोड़ा, अभी दोबारा सेटिंग कर रहा है और अभी दोबारा स्पीड लेने की ट्राई कर रहा है। अभी स्पीड कर दिया उन्होंने, स्पीड बढ़ गया है गाड़ी का और पीछे से ये बंदा भी मुझे धक्का दे रहा है जोर से और मुझे कैमरा पकड़ने में थोड़ा मुश्किल हो गया, स्पीड तो बहुत ज़्यादा हो गया, अभी बीच में बहुत सारे बम्प्स भी आते हैं जो ऐसे रोकते भी नहीं है, ऐसे ही धक्का दे दिया तो ऐसे जम करके जाता है, उसका मज़ा अलग था, पूरा शरीर में पेन आ जाता है। वो मेरे पीछे से दबा रहा है, शोल्डर को जोर से दबा रहा है, भैया थोड़ा स्लो करो, सुन ही नहीं रहा है और एकदम जल्दी से नीचे उतर रहा है। सबको चिल्ला रहा है जोर जोर से कि धक्के साइड जाओ साइड जाओ, क्या स्पीड है भाई, मजा आ रहा है। अभी स्लेज में मजा आ गया, सेकंड पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट ऊपर ट्रैक करके जाइए, थोड़ा मुश्किल है और ऊपर से आप स्लेज में आइए, 50 रुपये ही लगेगा लेकिन 250 बोलेगा आपको, 50 देना है, बहुत बार्गेन करना है। और ऊपर से आप नीचे स्लेज में आइए, मज़ा आ जाएगा, बहुत स्पीड से आता है क्योंकि डिस्टेंस भी थोड़ा लंबा हो जाता है, इसलिए मज़ा भी अलग है। सो अभी थर्ड सेकेंड पॉइंट हो गया, अभी हम थर्ड पॉइंट जाएंगे, ये तीसरा पॉइंट है और पॉइंट का नाम पॉइंट है, इसको फिश पॉइंट बोलते हैं। इधर एंट्री टिकट है, 20 रुपया टिकट है। यही है फिश पॉइंट, इतना कुछ भी नहीं है इधर। ये फोर्थ पॉइंट है, ये देखिए, यही है फोर्थ पॉइंट, ये सिर्फ फोटो पॉइंट है और कुछ भी नहीं है इधर। फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट तो अच्छा था एंड थर्ड पॉइंट तो मतलब ही नहीं है, और फोर्थ पॉइंट फोटो पॉइंट है, आप अच्छे से इधर फोटो ले सकते हैं। सो छठा पॉइंट हो गया है, अभी आगे देखते हैं क्या होता है, आगे तजवा श्लेषक खुला है क्या नहीं पता नहीं है, और जीरो पॉइंट भी क्योंकि वो सोनमार्ग जाने के रास्ते पे आता है जो कि ले जाता है और लेकर और तो बंद होता है। सो आई थिंक तजवा श्लेषक और जीरो पॉइंट बंद होगा, जो जिला पास से जाता है ना वो रोड बंद होगा, सो आई थिंक दोनों होगा नहीं, देखते हैं आगे जाके पूछेंगे। ये फोटो पॉइंट है, फोटोज ले सकते हैं आप, अच्छा है फोटो पॉइंट, फोटोज लेने के लिए अच्छी जगह है। सोनमार्ग आप डे टूर ही कर सकते हैं, इधर स्टे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इधर देखने के लिए बहुत जगह है ही नहीं है। पहलगाम आप स्टे करेंगे तो आप हर वक्त कवर कर सकते हैं, एक दिन में करेंगे तो बहुत टाइट हो जाएगा, अब स्टे मार के अगले दिन निकलेंगे तो हर बल देख के निकल सकते हैं। पहलगाम के लिए स्टे ठीक रहेगा, सोनमार्ग के लिए स्टे इतना ठीक नहीं है, डे टूर ही कर सकते हैं। चलिए अभी आगे इधर थोड़ा फोटोशूट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है, अगर हुआ तो तजवाज जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर बैक टू श्रीनगर। चलिए तो देखते हैं क्या होता अभी। अगर ये 4 पॉइंट देखना है ना तो आप घोड़ा भी मत लीजिए एंड गाड़ी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, गाड़ी वाले बहुत ज़्यादा बोल के कम करते हैं जो कि वो भी बहुत ज़्यादा ही है। मेरे हिसाब से तो आप ये 4 पॉइंट वॉकिंग ही कर सकते हैं, बहुत नज़दीकी है, बहुत ठगाता है इधर, बहुत प्राइस एक्सपेंसिव है, बहुत चीटिंग ज़्यादा होता है इधर, आपको बहुत ध्यान से रहना है, आपके गाड़ी के कैब के ड्राइवर से लेके पौनी तक एवरीबडी सब ठगाते हैं इधर।
ठीक है, अभी आगे जाके देखते हैं क्या होता है। वो जो ग्रीन बोर्ड दिख रहा है वही रोड से जाना है सोमा के लिए, और वहीं पे तजवाज ग्लेशियर्स एज वेल एज जोजिला पास का जीरो पॉइंट आता है। सो अभी तजवाज ग्लेशियर्स तो बंद है क्योंकि उधर कुछ लैंडस्लाइड हुआ है, सो इसीलिए तजवाज ग्लेशियर्स नहीं होगा। तो अभी सोनमार्ग से पहले एक लाइक 10 किलोमीटर पहले एक और जगह है जो बहुत ज़ोरदार जगह है, वो जगह आपको पक्का देखना ही है। उस जगह का नाम है गगनगिर बोलते हैं उसको, उसके अंदर ग्लेशियर्स भी है और व्यू पॉइंट भी बहुत अच्छे हैं और आपका फ़ोटोशूट्स भी इधर बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अभी हम गगनगिर के लिए चलते हैं। ये वैली है और इस साइड देख के हेवन है, क्या दिख रहा है भाई। ये पूरा जगह पूरा स्लिपरी है, बहुत मुश्किल होता है चलने में। बहुत ज़बरदस्त जगह है गगनगिर, अंदर तक चलेंगे अभी, देखते हैं अंदर क्या है। जो रबर बूट्स है ना वो पहन के आ जाना है, वो थोड़ा ग्रिप मिलता है, ये बूट्स में ग्रिप ही नहीं मिल रहा है, बहुत स्लिप हो रहा हूँ मैं। इधर भी बहुत स्लिप है, पैदल जाने में बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत स्लिपरी था, इसलिए स्लिप लिया। एक स्लिप का 50 रुपया लिया था जाने में, और लास्ट एंड तक जाएगा और फिर उधर से दोबारा नीचे स्लेज में आ जाएंगे। सो एक का 50 रुपया लिया था और मैंने 4 स्लेज लिया था, चारों के लिए ले लिया था। सब अभी हम स्लेज में जा रहे हैं, सब लोग बहुत थक गए थे भाई, इसलिए स्लेज लेना पड़ा। सो ले लिया था स्लेज हमने, और ये जो बंदा है जो बहुत तेज है सबको धक्का दे के आगे जा रहा था। ये व्यू पॉइंट पे आ गए थे हम, और इधर कुछ फोटोज लिया था हमने। क्या व्यू पॉइंट है यार, बहुत ज़बरदस्त दिख रहा था, मज़ा आ गया था इधर तो। और आगे हम लास्ट पॉइंट पे, जो लास्ट पॉइंट में गगनगिर के लास्ट पॉइंट एक ब्रिज जाता है वही है लास्ट पॉइंट है, उससे आगे हम नहीं जा सकते। उधर का व्यू तो पूरा अलग ही दिख रहा था, पूरा ग्लेशियर ही था एकदम, व्यू देखने में तो एकदम स्विट्जरलैंड की तरह लग रहा था। देखिए कैसा दिख रहा है व्यू। तो अभी चलिए हम दोबारा रिटर्न चलते हैं। बहुत देख देख के नीचे ले रहा था मुझे भाई, देख के लेके जाओ मुझे, नीचे मत गिराना। वो तो डर ही नहीं रहा था और कुछ मेरी बातें सुन ही नहीं रहा था, बस दोनों लड़के धक्का दे रहे हैं मुझे जोर से। और क्या स्पीड हो गया अभी, अरे भाई देख के जाओ, देख के गिर जाएंगे हम। ये दोनों पीछे से मुझे धक्का दे रहे हैं अभी, आगे कोई भी नहीं है। आगे आगे एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से स्लेज को पकड़ने में बहुत मुश्किल हो रहा था। कैमरा गिर जाएगा, थोड़ा धीरे चलो। मजा ही अलग है स्लेज में आने का, नीचे में वो भी क्या स्पीड है। अरे यार धीरे धीरे धीरे, ये लगा मुझे जोर से लगा, पूरा नीचे उतार दिया एकदम। लो जी पहुंच गए नीचे अभी। हमने सोनमार्ग से दोबारा उसी होटल ओपेरा इन में चेक इन कर लिया अभी। ये होटल भी अच्छा ही है, सेंट्रली हीटेड है और ब्रेकफास्ट डिनर भी मुझे अच्छा ही लगा, इतना भी ब्रेकफास्ट डिनर भी अच्छा ही है, उसके बाद गर्म पानी भी आ रहा है विंटर के लिए। आई थिंक दिस होटल इज़ चीप एंड बेस्ट, अच्छा है। जस्ट दाल लेक से 5 किलोमीटर दूरी है। अभी सोनमार्ग तो एक्चुअली बंद है विंटर में क्योंकि उधर एक लैंडस्लाइड हुआ है, इसीलिए फॉर टाइम बीइंग उन्होंने बंद करके रखा है। सो हमने तजवाज ग्लेशियर एज वेल एज
जीरो पॉइंट, ये दोनों हमने एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन सोनमार्ग से 10 किलोमीटर पहले गगनबीर आता है, जो आप जो अभी वीडियो में देखा है वो जगह सब आप देखने के लायक है। गगनबीर तो एक्सेलेंट प्लेस है, और जो 4 पॉइंट्स है उसमें 2 पॉइंट्स फर्स्ट 2 पॉइंट्स भी एकदम एक्सेलेंट प्लेस है, वो भी आप देखना है। एंड द नेक्स्ट 2 पॉइंट्स भी इतना ठीक ठीक ही है, लेकिन गगनबीर को आप देखना ही है। सो आप श्रीनगर से सोनमार्ग जा रहे हैं तो गगनबीर एक्सप्लोर करके आगे जाना सोनमार्ग के लिए, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर तजवाज ग्लेशियर एज वेल एज जीरो पॉइंट। सो ये सब जगह देख सकते हैं। उसके आगे आप जा ही नहीं सकते क्योंकि लद्दाख लेह लद्दाख का रूट है, वो रोड है, और 6 मंथ्स का रोड बंद ही होता है विंटर में। सो उसके आगे आप जा ही नहीं सकते गाड़ी पर बाई रोड, तो आपको फ्लाइट से जाना है अगर आपको जाना है तो लद्दाख। सो ये हो गया। सो अभी हम इधर ही चेक इन करेंगे, आज रात को इधर ही स्टे करके कल सुबह को हम एयरपोर्ट जाएंगे, तो मैं आपसे कल सुबह एयरपोर्ट में मिलूंगा। बाय बाय। का बेस्ट नेटवर्क है एयरटेल का है, सब जगह हमें नेटवर्क मिला है, ऑल लोकेशंस में मिला है, डेटा भी अच्छा था, स्पीड भी था। उसके बाद जियो का आता है, फिर BSNL का है। ओके, ये भी हो गया। अगर आपको गाड़ी लेना है, लोकल सब घूमना है, तो इधर का एक जुगनू ऐप है, वो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए। सो आप होटल से पिकअप करेंगे तभी वो जुगनू ऐप आ जाएगा। सो आपको कन्वीनियंट है, आपको लाल चौक जाना है या डल लेक जाना है, आप जुगनू ऐप यूज़ कर लीजिए, सस्ता भी है और चीप भी है। उसमें 3 गाड़ी है, स्विफ्ट है, अल्टो है और सेंट्रो है। सो आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप बुक कर सकते हैं। कश्मीर आपको अगर विंटर में आना है तो मैं तो कहूँगा कि विंटर में ही आइए, सर्दी में गर्मी में आने में कोई मज़ा नहीं है। ऑफ सीज़न में आइए तो मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत है। थैंक्स, बाय बाय। आपको प्रीपेड टैक्सी बुक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सीधा एयरपोर्ट से बाहर आइए, स्ट्रेटली प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर जाइए। आपको कहीं भी जाना है, लाइक गुलमर्ग जाना हो, हज़रतबल जाना हो, पूरी जाना हो, पहलगाम, सोनमा, कहीं भी जाना हो, तो इधर से आप गाड़ी बुक कर दीजिए और सीधा चले जाइए। रेट भी एकदम रीज़नेबल है।